और इफ आई वांट जस्ट से दिस कि ये आप कौन सी बात कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू की, मैंने कौन सी बीएमडब्ल्यू ले ली, आप हाउ कैन यू अक्यूज एनीबॉडी ऑफ दिस, आपको नहीं मेरी बात सुने, आप बैठे हैं आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा, यू सिट डाउन प्लीज। सुने मैं इस मुल्क में 5 महीने जेल में गया हूं, मैं 5 महीने जेल में गया विदाउट बीइंग एवर गिल्टी ऑफ एनीथिंग, सो आई डोंट अप्रिशिएट पीपल टेलिंग मी कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना पेट्रोल देता हूं, सो डोंट एवर टेल मी दिस। ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना आप लोग करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है, दैट्स नॉट फनी। मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठ के रो रहे थे जब मैं जेल गया था, तो सो यू टेक इट बैक। आप इस तरह नहीं कह सकते मुझको ये। जैसे आज सर, एक आज अगर इसहाक डार की जगह होते तो आपका क्या डिफरेंस होता, क्या रेजिस्टेंस होता? और दूसरा, मैं सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, आप बोल रहे हैं कि इंडिया ने रिस्पांस नहीं किया, वो नहीं करेगा क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो वो भी नहीं करेगा। पीछे चल जाइएगा, थैंक यू। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द बैक एज़ वेल, वी विल कम टू यू। जी वो बैंड यू प्लीज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम सेटिंग अप अ रिफाइनरी, और हमने सऊदी अरब को भी कहा हुआ है, 2017 में भी कहा था, फिर इमरान खान की हुकूमत ने भी कोशिश की सऊदी अरब से बात करने की कि आप आके रिफाइनरी लगाइए। आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है कि इतना हम फिनिश प्रोडक्ट मंगवाते हैं, मोटर गैसोलीन और डीजल और क्रूड ऑयल यहाँ पे इतना नहीं आता, और यहाँ पे कम से कम 5 लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनरी आसानी से लग सकती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं लगा रहा पाकिस्तान में रिफाइनरी, तो इसकी क्या वजह है? थिंक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिएट्स टू पीपल हु आर ट्राइंग टू सेट अप अ रिफाइनरी। और इफ आई वांट जस्ट से दिस कि ये आप कौन सी बात कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू की, मैंने कौन सी बीएमडब्ल्यू ले ली, आप हाउ कैन यू अक्यूज एनीबॉडी ऑफ दिस, हाउ कैन यू से दिस, मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं मेरी बात सुने, आप बैठे हैं आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा, यू सिट डाउन प्लीज। How dare you talk to me about this कि BMW मैंने ले ली? आप तो नहीं, देखें एक मेरी बात सुने, मैं इस मुल्क में 5 महीने जेल में गया हूं, मैं 5 महीने जेल में गया हूं विदाउट बीइंग एवर गिल्टी ऑफ एनीथिंग, सो आई डोंट अप्रिशिएट पीपल टेलिंग मी कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना पेट्रोल देता हूं, सो डोंट एवर टेल मी दिस। ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना आप लोग करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है, दैट्स नॉट फनी। मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठ के रो रहे थे जब मैं जेल गया था, तो सो यू टेक इट बैक। आप इस तरह नहीं कह सकते मुझको ये बात। थैंक यू मिस्टर साहब, थैंक यू असफर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक तो ना ये इल्जाम लगा थी, प्लीज थैंक यू। देखिए देखिए देखिए, दिस इज द लास्ट कमेंट एंड देन वी विल बी कंक्लूडिंग द शो। ब्लेम गेम का कल्चर हुआ है, ये बड़ा गलत कल्चर है। इस इंसान की मैं गवाही दे सकता हूँ कि थैंक यू प्लीज।